हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रियल पूजा में। आज मैं आपके सामने तीन तरह का जल्दी से बनने वाला ब्रेड से, जब भी हो मौसम बारिश का तो आप झटपट बनाएं ब्रेड से तीन तरह का स्नैक्स इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने बना रखा है, ये ब्रेड का आपका चीला है, ब्रेड का उत्पम है और ये ब्रेड का हमारे ब्रेड रोल है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने ब्रेड को आप किसी भी शेप में इस तरह से कट कर सकते हैं। ये मैंने कट कर लिए हैं, ये देखिए ट्रायंगल में भी कट करे हैं और चकोर में भी कट करे हैं, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको एक बाउल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है ये फ्रेंड्स, और सबको पसंद आने वाला है, हेल्दी भी है। अब हम इनके लिए एक खीरा और एक टमाटर को चॉप करेंगे। ये देखिए बच्चे बूढ़े जवान सबको बहुत अच्छे से पसंद आने वाला हेल्दी नाश्ता है ये, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। बारिश का मौसम हो या सुबह आपको जल्दी जाना हो, ऑफिस जाना हो या जल्दी से घर के काम, सुबह का काम ज़्यादा ही होता है कुछ, तो जल्दी से आप इसको रेडी कर सकते हैं। आप इस तरीके से खीरे और टमाटर को चॉप कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने चॉप कर लिया है खीरा। अब हम टमाटर को चॉप करते हैं। आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला फ्रेंड्स। इस चॉपिंग को आप अगर रात को भी कर कर अगर रखते हैं फ्रिज में स्टोर करके, तो सुबह आप झटपट से बना लेंगे। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। ये देखिए हमने अब यहाँ पर एक कटोरी के करीब हमने यहाँ बेसन लिया। बेसन के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ खीरा। ये हमने हल्का सा इसमें अजवाइन डाला, नमक डालेंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार, हींग डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे मसाले इसके अंदर ऐड करे हुए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे ताकि सबको अच्छा लगे। ये मिर्ची पाउडर, ये चाट मसाला। अब हम इसको पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब इसमें हम अपना थोड़ा सा खीरा, थोड़े टमाटर और एक दो हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार हम इसमें कट करेंगे। ये देखिए तो ये हमारा बैटर रेडी है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला फ्रेंड्स। जब तक आपकी चाय या दूध रेडी होता है, इतने में आपका नाश्ता बनके रेडी हो जाएगा। हम हमेशा एक तरह की ब्रेड खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें ये। अब हम अपने लेंगे ब्रेड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल में कट करती हूँ। ये देखिए अब हम इसको बेसन के अंदर डिप करके, जैसे आप ब्रेड पकोड़े बनाते हैं उस तरीके से हम इसको हाफ फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये हमने एक फ्राइंग पैन लिया, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, दो से तीन चम्मच अपना ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए ज़्यादा ऑयली खाया नहीं जाता और हैवी भी हो जाता है, इसलिए हम कम से कम ऑयल का इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने इसमें अंदर डिप करा ब्रेड को, और इस तरीके से
ये देखिए पहले ये हाफ़ फ्राई हमारे होंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए इसको। ये हमारा एक तरीके से हो गया। चलिए अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। अगर आप मीडियम पे सेकोगे तभी ये अच्छे से सिकेंगे, नहीं तो अगर आप इसको तेज़ आंच पर सेकोगे तो ये जल जाएंगे फ्रेंड्स। और जो इसके अंदर टेस्ट आने वाला है वो नहीं आएगा, इसलिए आप देखिए इस तरीके से इनको मीडियम फ्लेम पे सेक सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, धीरे धीरे सिकने वाले हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गए हमारे रेडी ब्रेड पकौड़े। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रेड पकौड़े, सैंडविच, कुछ भी, क्योंकि एक ये हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स। आप इसे नाश्ते में या शाम की, मॉर्निंग की, इवनिंग की चाय के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं फैमिली को, या कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट उसको बनाकर बारिश के मौसम में दे सकते हैं, एक नई डिश हो जाएगी। पकौड़े वगैरह तो हम हमेशा ही बनाकर खाते हैं, तो पकौड़े से कुछ हटकर हो जाएगा ये फ्रेंड्स। देखिए बाकी की भी हमने इसके अंदर फ्राई कर लिए, ये सारे सिककर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। ये भी रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरे तरीके का नाश्ता बनाते हैं। ये हमने अपनी ब्रेड जो कट करी थी उसमें हमने ये 2 चम्मच करीब हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। अपने इसके अंदर हम खीरा ऐड कर लेंगे और अपना कटा हुआ टमाटर, ये सब इसके अंदर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार हम हरी मिर्च काटेंगे जितनी आपको इसमें वो करनी हो। ये देखिए अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ फ्रेंड्स, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कम ही मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। ये हमने नमक ऐड कर लिया है इसके अंदर, हल्का सा मिर्ची पाउडर, ये चाट मसाला, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए हम इसको बनाना रेडी करते हैं। ये हमने इसमें ऑयल डाला, इसमें थोड़ा सा राई डाला, राई या सरसों के दाने आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। हमने इसमें अपना ये बैटर इसमें ऐड करा, ये देखिए। आप इसको ब्रेड का चीला या सैंडविच या फिर पिज्जा के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। ये अब इसको हम ढककर अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए पर ज़्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट पकाना है आपको। ये पक चुका है एक साइड से, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दूसरी साइड से इसको पकाएंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे 1 चम्मच। अब इसको इस साइड से हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगने वाला है फ्रेंड्स ये। आप इसे केचप चटनी या नारियल की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको भी आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये जले ना। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा होने वाला है रेडी। अब हम इसको अपनी एक प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। आप इसको गर्मा गर्म सबको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को घर में
या कोई आपके गेस्ट आया हुआ उनको भी आप दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, ये पककर रेडी है। चलिए अब इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हमने प्लेट के अंदर ऐड कर दिया। अब हम दूसरा उत्पम बनाते हैं, उसी का जो हमारा बैटर बचा हुआ था। एक चीला भी आप बना सकते हैं और एक इस तरीके से आप इसको फ्राई करके उत्पम भी बना सकते हैं। ब्रेड का हलवा या उत्पम, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ये देखिए, ये हमारा बन के ये रेडी है। हमने इसके अंदर केचप लगा दिया है और ये हमारा उत्पम बन के रेडी है ब्रेड का। ये देखिए, ये पक रहा है मीडियम फ्लेम पर। ये कम ऑयल में और झटपट बनने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, देखने में कितना हेल्दी और अच्छा लग रहा है। इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा सर डेकोरेट कर देंगे। जो भी आपके पास घर में चीज़ें हों उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। देखिए, मैं इसमें आज के अंदर थोड़ी सी नमकीन ऐड करूँगी, मिक्स वाली। आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालना हो तो ड्राई फ्रूट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़े से भुने हुए चने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास सामान हो घर में, आप वो इसके ऊपर डालकर सर्व करके और बच्चों को, सबको दे सकते हैं घर में। और अभी मैं प्रेग्नेंट चल रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरे लिए भी बहुत हेल्दी है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। ये देखिए, इस पर टमाटो केचप थोड़ा सा ऐड करेंगे हम। ये हमारा रेडी है ब्रेड उत्पम। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये हमारा झटपट बनने वाला 3 तरह का डिफरेंट स्टाइल में ब्रेड से नाश्ता है। ये देखिए, ये तीनों बनके रेडी हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।